गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम आपको आर्ट का काम सिखाएंगे। इसमें आपको क्या करना है बेटा, पेंसिल शेडिंग का जो वर्किंग है, पहले सबसे पहले हम पेंसिल शेडिंग सीखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले मैं स्टिल लाइफ सिखाऊंगी, फिर फ्लावर टेकिंग और उसके बाद लैंडस्केप। ये आप लोगों को ड्राइंग शीट जो अपनी प्रिपेयर करनी है उसमें भी पूरी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम पेंसिल का काम करेंगे, नेक्स्ट हम कलरिंग का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टिल लाइफ को स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टिल लाइफ में हम आज बुक बनाएंगे। अब बुक बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये देखो लाइन लगा रहे हैं। जैसे आप मान लो 6 सेंटीमीटर के अपना एक अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हो, तो उसमें आप दो पार्टीशन कर लोगे, एक दो तीन पार्टीशन हो जाएंगे, दो दो सेंटीमीटर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आप करोगे। उसके बाद उसका मार्जिन लेते हुए हम मार्क कर लेंगे, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ आप देख रहे हो। फिर उसके बाद हम इसमें हमें जितनी मोटाई चाहिए, मान लो बुक के लिए 1 इंच की चाहिए, 2 इंच की चाहिए, 3 इंच की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन करके जिस तरीके से देखो बेटा मैं जोड़ रही हूँ, आप लोग ऐसे मार्क करेंगे। इसके बाद फिर हम दोबारा फिर लेंगे मोटाई जितनी हमने लेनी है, 1 इंच की, 2 इंच की, और इस तरीके से हम करेंगे। अब इसी तरीके से हम सेंटर द्वारा लेंगे बेटा। सेंटर लेने के बाद जितनी हमने मोटाई करनी है उतनी मोटाई जो हमने बैक में ली थी वही मोटाई हम फ्रंट में लेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा बिल्कुल प्रॉपर वे में बुक बन रही है। अगर इसी में अगर हम चेंज करना चाहें कुछ, ये गुलाई बनाएंगे अगर हम इस टाइप से, तो ये हमारी बुक शो करती है। अगर इसी में हमने इसको कुछ और चेंजेस करने, मान लो गिलास बनाना है, तो हम सेंटर लेके जिस टाइप से ये देखो सेंटर में हमने गिलास के लिए ऊपर का बना लिया, इसमें हम राउंड कर देंगे। राउंड करके हम दोनों किनारे आपस में फिक्स कर देंगे, तो ये हमारा ग्लास साथ में अटैच हो गया। बुक के ऊपर जो ग्लास रखते हैं ना, स्टिल लाइफ में बेटा क्या होता है, जो चीज़ सामने रखी होती है ऑब्जेक्टिव जो हमें वो सेम टू सेम बनाना होता है, उसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एज इट इज़ उतारना होता है, ठीक है। अगर इसके साथ अगर आप ग्रेप्स वगैरह रखना चाहें, कोई फ्रूट है या कुछ भी है, तो ये देखो स्टेप से आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। पहली हमारी जो है वो स्टिल लाइफ है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो दूसरी अपनी ड्राइंग शीट्स प्रिपेयर करेंगे वो हमारी रहेगी फ्लावर मेकिंग। अब ये स्टिल लाइफ में ये नहीं है कि आपने सिर्फ ग्लास ही बनाना है, बुक ही बनानी है, आप कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। कोई कप है, कोई जग है, कोई टेबल है, कुछ भी स्टिल लाइफ में जो निर्जीव वस्तु होती है उसको हमें बनाना होता है, ठीक है। सामने टेबल पर हमने रखी और वो एज इट इज हमने बना दी। अब इसके बाद हम अपनी सेकेंड शीट लेते हैं जिसमें हम फ्लावर मेकिंग करेंगे। अब फ्लावर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया और वही फ्लावर बनाएंगे। आप फ्लावर कोई भी बना सकते हैं जो आप इजीली ड्रॉ कर सके, ठीक है ना। इसके लिए बाउंडेशन नहीं होती कि हमें ये, किसी को लिली का फूल पसंद होता है, किसी को गुलाब का फूल पसंद होता है, कोई सूरजमुखी को पसंद करता है, डिफरेंट टाइप होते हैं ना चॉइस, तो हम कोई भी फ्लावर मेकिंग कर सकते हैं। ये देखो बिल्कुल इजी मेथड से है। जैसे हम 3 लिखते हैं ना, सिर्फ हमने दिल की शेप के चारों तरफ 3 3 3 मार्क कर दिए, वो हमारा फ्लावर मेकिंग हो गया बेटा। ये पेंसिल शेडिंग की आपकी दूसरी शीट है। अब इसके अंदर हम शेडिंग भी देंगे, ठीक है ना। पेंसिल की शेडिंग देके इसको हम, आप फ्लावर में बार बार कह रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ, आप फ्लावर कोई भी बना सकते हैं, आपको सेम फ्लावर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्लावर में बेटा कभी कोई काउंटिंग नहीं होती, ना पत्तियों की काउंटिंग होती है, ना फ्लावर के कितने आप फ्लावर एक उस पर आते हैं, तो आप इस पर 2 फ्लावर भी कर सकते हैं, 3 की वर्किंग कर सकते हैं, पत्तियां भी 2 3 कितने भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम शेडिंग कर देंगे फ्लावर में। देखिए इस स्टेप से हम शेडिंग करते चलेंगे और फिर पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर देंगे। अब हम थर्ड बनाएंगे अपने बेटा जो है लैंडस्केप, पेंसिल से लैंडस्केप। लैंडस्केप के आपको मैं ये पेंसिल से बता रही हूँ,
इसी को आप कलरिंग में भी कर सकते हैं, हम इसको कलर में भी करेंगे बाद में। हाथ अपने अपने हम ड्रॉ करेंगे अपने बच्चे, बिल्कुल सिंपल फ्री हैंड करना है, कोई आपको स्केल की जरूरत नहीं है बेटा, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंडस्केप क्या होता है बेटा, कोई दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, कोई झरने का सीन, कोई पहाड़ों का सीन, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अपने हट का मैंने जैसे ये ड्रॉ कर दिया, हट बना सकते हैं, कोई झरने का सीन बना सकते हैं आप, कोई पेड़ों का सीन, जैसे ये अपने आते हैं बेटा ग्राउंड होते हैं, इनका सीन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, पार्क का सीन, तो कोई भी प्राकृतिक सीन हो वो लैंडस्केप कहलाता है बेटा। लैंडस्केप है तो मतलब लैंडस्केप में ही, यानी कि चौड़ाई में ही ये ड्राइंग होती है, ये पोस्टर में नहीं होगी, लंबाई में नहीं होती बेटा, ये चौड़ाई में ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से ड्रॉ करके हमने इसको फिर शेड दे देनी है। बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल फ्री हैंड इजीली, आप देखो कैसे ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल सिंपल वे में है, कि कहीं आपको स्केल की या इरेजर की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने जैसे पत्थर दिखा दिए, ठीक है ना, घास उगी होती है ना पत्थरों के बीच में, छोटी छोटी घास उगी होती है, वो हमने दिखा दी, हट दिखा दी, सड़क दिखा दी हमने, पेड़ दिखा दिया। ये आपका क्या है बच्चे, लैंडस्केप। लैंडस्केप में आप कुछ भी बना सकते हैं, पहाड़, झरने, कुछ भी बना सकते हो, सेम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पूरी शीट में शेडिंग करनी है। ठीक है बेटा, ये आपकी 3 शीट्स कंप्लीट हो गई बेटा, ठीक है, बाकी के हम कल करेंगे।